हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक 245 रुपये से लेकर के 280 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर जो चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको दिखा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 245 के अंदर एंट्री होती है स्टॉक की और यहाँ से स्टॉक में आती है तेजी और स्टॉक लगभग 260 प्लस जाने के बाद फिर से गिरावट करके स्टॉक सपोर्ट कहां पर ले रहा है। तो आप देख सकते हैं 245 पे सपोर्ट यहां पर स्टॉक लेता हुआ दिखाई दिया, फिर से स्टॉक के अंदर आती है तेजी 280 रुपए तक की, फिर आप देखेंगे स्टॉक में हल्का फुल्का गिरावट, यहाँ पर करेक्शन आता हुआ 260 के आसपास गिरने का, स्टॉक में तेजी 280 के बाद स्टॉक फिर से गिरता है और यहाँ पर हम देखते हैं एक हैमर बना था, इस हैमर ने स्टॉक को फिर से ऊपर की तरफ पुल किया और यहाँ पर हमें फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। यदि यहाँ से स्टॉक में गिरावट होती है और यहाँ पर गिरावट 260 के नीचे आ जाती है, ये देखिएगा जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है शॉर्ट टर्म के लिए। यदि इसके नीचे स्टॉक आता है, 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे यदि स्टॉक आ गया, तो डेफिनेटली आपको गिरावट कहाँ तक दिख सकती है, फिर से 245 रुपये तक आपको स्टॉक गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अभी फिलहाल आपको 260 के ऊपर स्टॉक है, आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। इसके नीचे अगर स्टॉक आएगा तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 245 रुपये तक की गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है।